हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आउटपुट मेथड का न्यूमेरिकल फॉर्मेट। तो हमने इसका पहले भी देख लिया था पिछली वीडियो में, लिंक उसका नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। अब न्यूमेरिकल किस टाइप से करते हैं, तो उसके लिए हम पहले अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं। दो सेक्टर दे रखे हैं, एक्स एंड वाई। यहाँ मैंने सेकेंड विंडो में बना रखा, तो फॉर्मेट वही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ गया टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा, ओपनिंग माइनस, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर गिवन है तो वो प्लस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन से ये वाला कॉलम। इसमें फैक्टर खर्चे नहीं आते, नॉन फैक्टर खर्चे आते हैं। फैक्टर यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब ये नहीं आते। बाकी जो फर्म के खर्चे हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिड हो गया ए माइनस बी, ये कॉलम ए, ये माइनस बी। ऐसी हमने ये एक्स का बनाया, ऐसी वाई का बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ साथ साथ देखते रहेंगे, वहाँ सेकंड विंडो में हम पोस्ट करते रहेंगे। तो पहला एक्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट 14,000, टोटल सेल्स गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में डाल देते हैं टोटल सेल्स 14,000। अब इसकी टोटल सेल गिवन है बट वाई की गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में हम उसने जो डोमेस्टिक सेल करी यानी इंडिया में करी, और एक्सपोर्ट ये गिवन है यानी बाहर वालों को करी, तो इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल सेल आ जाएगी। तो यानी ये 11,000 डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट 1,000। वाई का कॉलम ये रहा, तो टोटल सेल्स उसकी गिवन थी डायरेक्ट, इसमें हम निकाल लेते हैं डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक है 11, एक्सपोर्ट है 1, तो डोमेस्टिक सेल्स में 11,000, एक्सपोर्ट्स में 1,000, टोटल सेल हो गई इसकी 12,000। तो अब दोनों की टोटल सेल हमारे पास है। अब हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। डायरेक्ट नहीं गिवन, एक्स में लिखा है नेट डिक्रीज इन स्टॉक 500। एक्स में चलते हैं, डिक्रीज इन स्टॉक यानी अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो गया, मतलब वो हो गया एक्स माइनस 500। अच्छा, इसका देखते हैं वाई का क्या लिखा है। नेट इंक्रीज इन स्टॉक यानी इसका स्टॉक बढ़ गया, यानी अगर ओपनिंग स्टॉक वाई पे, वाई में आ जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर इसमें एक्स है तो उसका हो गया एक्स प्लस, इसका बड़ा है तो इसे हम प्लस कर देते हैं। इतना बड़ा है ये देख लेते हैं, नेट इंक्रीज इन स्टॉक 300, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स प्लस 300। अब अगला प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसकी 1500, उसकी 1700। पहले इसकी लिख लेते हैं 1700, और ऊपर वाले की थी 1500। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कॉलम जो है वो पूरा हो गया, एक्स का भी वाई का भी। टोटल कर लेते हैं, 14,000 में 500 कम करना है, 1500 ऐड करना है, तो 1000 नेट ऐड कर देते हैं, ये आ गया 15,000। अभी निकाल लेते हैं, 12 तक तो आ ही गया था, प्लस 300 प्लस 1700, 2000 ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 14,000। 12 प्लस 2। अब चलते हैं हम अपने अगले कॉलम पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। इसके अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया था, फैक्टर खर्चे जो है वो नहीं आते, बाकी खर्चे जो है वो हम यहाँ क्वेश्चन में ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ये रहा रॉ मटेरियल, ये आएगा परचेज रॉ मटेरियल, बट इम्पोर्ट रॉ मटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि इम्पोर्ट मतलब हमने बाहर से मंगाए, लेकिन ऊपर जब लिखा हुआ है परचेज रॉ मटेरियल तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें इम्पोर्ट्स पहले ही जुड़े हुए हैं, तो सीधा सीधा रॉ मटेरियल ले लेते हैं, उसका 3,000, उसका 4,000। तो रॉ मटेरियल उसका 3,000 और उसका 4,000। और देखते हैं ऐसे खर्चे, एक्सपोर्ट्स नहीं आएगा, लैंड खरीदी ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्टर खर्चा हो गया, नहीं आएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स और ये सब कन्वर्ट करते वक्त यूज होगा, ये लास्ट में दे रखा है। बैंकिंग सर्विस खरीदी, ये भी हमारा इंटरमीडिएट में आएगा, बैंकिंग सर्विस 2,000।
बैंकिंग सर्विस 2000, ऊपर वाले में भी डाल देते हैं। और कोई नहीं गिवन, तो ये टोटल कर देते हैं, इसका आ गया 5000। और ये जो लास्ट कॉलम होता है हमारा वैल्यू एडिट, ये कॉलम माइनस ये कॉलम, यानी ये आ गया 10000, 15 माइनस 5। अब इसका भी निकाल लेते हैं, इसका यहाँ आ रहा था टोटल 14000, और इसका इंटरमीडिएट का टोटल आ रहा है 4 और 2 6000, और ये कॉलम आ गया 14 माइनस 6 8000। अब दोनों के हमारे वैल्यू एडिट आ चुके हैं, ऊपर वाले का था हमारा 10000, इसका 8000, यानी कि टोटल वैल्यू एडिट हो गया 18000। यहाँ लिख देते हैं हम 18000 दोनों का टोटल। अब इसमें से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट चाहते हैं, तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कन्वर्जन वाली वीडियो हमने अलग से कर रखी है, लिंक नीचे डिटेल में दे रखा। तो ये जो आया अभी, ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एक्स और वाई के वैल्यू एडिट को टोटल कर दिया हमने, तो 18000। अब डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढते हैं। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो ये रहे 600 और 400, 1000। अब क्योंकि दोनों ऐड हो चुके हैं, तो ये भी ऐड होके आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया हमारा 1000। और डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, ये रहा नीचे, क्वेश्चन ने डोमेस्टिक इनकम तक जाने को कहा था, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बट इस फॉर्मेट से आता है GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसलिए हमें ये कन्वर्जन करनी पड़ रही है। डेप्रिसिएशन 250 और 250 जोड़ के आ गया ये 500। ये वैल्यू एडिट का टोटल 18000 चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसलिए हमने ये दोनों कन्वर्जन कर दी, 1500 इसमें से काट देते हैं, तो ये आ गया 16500 हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDPFC, या इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं। बाकी नोट तो इसमें यही था, जैसे टोटल सेल्स अगर नहीं गिवन तो हमने डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट्स को प्लस कर दिया, बट एक्स में हमें एक्सपोर्ट्स की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि टोटल सेल्स डायरेक्ट गिवन था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ध्यान रखना है, फैक्टर इनपुट्स नहीं लेने, नॉन फैक्टर खर्चे ही लेने हैं। तो ये था हमारा आउटपुट मेथड को हमने, ये क्वेश्चन था हमारा किस टाइप से सॉल्व किया, डोमेस्टिक इनकम या NDPFC तक हम पहुँचे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ज़्यादातर इसी टाइप की वैल्यूज बोर्ड में आती रहती हैं, तो ये एक हमारा सैम्पल क्वेश्चन बन सकता है।